नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और चलिए बात करते हैं देवभूमि की खबरों की। तो चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन दिया है। चारधाम यात्रा को जल्द शुरू करने की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बंद पड़ी चारधाम यात्रा खोलने को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आज भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर के आगे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए नजर आए और आपको बता दें कि उनमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि आज सरकार चारधाम यात्रा खोलने को लेकर कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रही है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हजारों लोग चारधाम यात्रा से रोजगार से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी अधूरी तैयारियों के चलते बैकफुट पर खड़ी है। सरकार अगर कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकती है तो कांग्रेस यह काम कर सकती है। तो देहरादून की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल कई दिनों से चारधाम यात्रा को लेकर पूरे उत्तराखंड से आवाज उठ रही है कि दोबारा से शुरू किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार ठीक से कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रही है। अगर सरकार नहीं कर रही है पैरवी तो वो काम कांग्रेस कर सकती है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। हालांकि देहरादून में काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन कांग्रेस के अलग अलग जगहों पर भी ये प्रदर्शन किया गया है। ये दिनों से जिस प्रकार से सरकार की बहुत हल्की ये कसरत नजर आती है और छद्म युद्ध सरकार लड़ रही है, झूठा दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, इस प्रकार का सरकार का जब चरित्र दिख रहा है चारधाम यात्रा को खोलने पर, तो हम मजबूर हैं कि हम हमारे लाखों उन भाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं कि जो साल भर से इंतजार करते हैं कि यात्रा चले और उनके साल भर का राशन पानी, उनके बच्चों की फीस, उनके जो आवश्यक खर्चे हैं वो अर्जित हो सके। देखिए, बीते दिनों से जिस प्रकार से सरकार दो वर्षों से हमारे तीर्थ पुरोहित हकुकधारी वहाँ का पंडा समाज पुरोहित समाज सड़कों पे है और ये धर्म विरोधी और देव विरोधी जो सरकार है ये आज तक ये निर्णय नहीं कर पाई है कि हमें यात्रा कैसे सुचारू करवानी है। कभी कहते हैं ये लाइव टैग है, आज से हम यात्रा शुरू करवाएंगे, कभी कहते हैं हम 7 तारीख से शुरू करवाएंगे, कभी कहते हैं 18 तारीख से शुरू करवाएंगे। बद्रीनाथ के विधायक ने तो घोषणा ही कर दी थी कि हम 19 तारीख से यात्रा प्रारंभ करवाएंगे, लेकिन आज तक इस यात्रा को ना तो ये शुरू करवा पाए और ना ये संचालित करवा पाए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, मामला चारधाम यात्रा को लेकर है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार इस यात्रा को लेकर पूरे उत्तराखंड से यानी पूरे प्रदेश भर से आवाज़ें उठ रही है, क्योंकि इससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो सीधे सीधे उनका जो व्यवसाय है उस यात्रा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सरकार इस पर ठीक से निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। वहीं आम जनता के साथ साथ जो तीर्थ पुरोहित हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और इसी मुद्दे को लेकर, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, अब धरना प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन विधानसभा सभा के बाहर और हजारों के तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सभी बड़े नेता भी उपस्थित हुए। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया और लगातार नारे लगाते हुए सरकार से अपील करते हुए कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा की शुरुआत हो। अगर कोर्ट में ठीक से सरकार पैरवी नहीं कर पा रही है तो कांग्रेसी ये पैरवी कर सकती है, ये भी मांग करते हुए। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो तस्वीर है वो तीर्थ पुरोहितों के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हैं, इसलिए बैनर भी कांग्रेस का लगा हुआ है। वह दूसरी जो तस्वीर है वो देहरादून की तस्वीर है जहां पर आज काफ़ी संख्या में हजारों के तादाद में कार्यकर्ताओं ने चारधाम यात्रा को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है।
तो कांग्रेस ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी की जा रही है। सरकार से ये मांग की जा रही है कि चारधाम यात्रा को लेकर ठोस निर्णय हो। दरअसल चारधाम यात्रा की शुरुआत के लिए तिथि भी निर्धारित हो गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने उस यात्रा पर रोक लगा दी, क्योंकि मांगा कहा गया था कि इस यात्रा को किस तरीके से सुचारू रूप से किया जाएगा ये पूरी तरीके से प्रारूप बनाकर सरकार पेश करे, लेकिन सरकार की तरफ से जो पेश किया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बाद चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई कोरोना के मद्देनज़र। फिलहाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दोबारा से दायर की गई थी, हालांकि उस मामले में अब तक सुनवाई नहीं हुई है। और अभी जो ताज़ा मामला ये है कि अब उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से यह आवाज़ उठने लगी है कि चारधाम यात्रा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि साल में इस यात्रा से जुड़े उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं और इनसे व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। संदीप जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। जी, हम आपसे चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं चारधाम यात्रा को लेकर। सिर्फ कांग्रेसी पार्टी ही नहीं बल्कि जितने भी पार्टी हैं वहां पर विपक्ष में, वो सब धीरे धीरे मांग उठाने लगे हैं। अभी उस वक्त क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन से बड़े नेता उपस्थित हुए हैं? हम यात्रा बंद पड़ी है, उसको खोलने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो उठा ही रही है, लेकिन आम जनता ने भी लगभग सीधे तौर पर कहा है कि सरकार तो चार धाम यात्रा खोलनी चाहिए क्योंकि जो चार धाम यात्रा से लोगों की जो रोजी रोटी है, लोगों का रोजगार है, वो उससे जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही थी कि सरकार को अपनी जो पैरवी है वो कोर्ट में सीधे तौर पर करनी चाहिए और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए, लेकिन चार धाम यात्रा इसके बावजूद भी नहीं सुन पाई। लेकिन आखिरकार आज कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और विधानसभा के सामने एक दिवसीय कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। इस आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो अगुवाई जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल हैं, वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, अगर मैं बात करूं तो ज्योति सिंह बिष्ट हैं, इसके अलावा और भी जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर जो सरकार वो मजबूती के साथ अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखना चाहिए, लेकिन सरकार की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी नहीं है। कोरोना का जो सबसे बड़ा खतरा है इसको लेकर सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है और इसीलिए हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को फटकार भी लगाई थी कि वो अपनी तैयारियां पूरी करे, इसी के बाद कहीं ना कहीं सरकार यात्रा को खोल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस पूरे आंदोलन पर उतर चुकी है और आज जो लंबा प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। सुबह की अगर मैं बात करूं तो 10 बजे से ही जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर सारे पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि सरकार क्यों अपना पक्ष मजबूती के साथ वहां पर नहीं रख रही है, क्यों पैरवी नहीं कर रही करने को वहाँ पर नहीं रही है। तो संदीप, निश्चित तौर पर जी हम देख पा रहे हैं कि वहां पर जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हुए हैं। सवाल एक और उठता है इसमें, सवाल यह है कि चारधाम यात्रा लगभग उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे जनता है आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा को लेकर यह खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। स्पीकर और मंत्री सुबोध उनियाल इसमें साथ में रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की समीक्षा की गई है, रेल विकास निगम के कार्यालय में समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सीएम को परियोजना के बारे में जानकारी दी है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने को लेकर आज समीक्षा की है। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की समीक्षा की गई कि आखिर जिसका रेल स्टेशन का जो विकास है वो किस तरीके से किया जाए। रेल विकास निगम के कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई है। आज सीएम साहब का प्रोग्राम है, बेसिकली वो यहाँ की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं। प्रोग्रेस के साथ साथ कहाँ पर बाधाएं आ रही हैं, किन किन क्षेत्रों में, उनको भी वो थोड़ा सा उनका भी संज्ञान लेंगे। और सबसे पहले हम लोग एक अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेजेंटेशन देंगे सर को, जिसमें कि पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी होगी, पूरे अलाइनमेंट की जानकारी होगी, कितने स्टेशन हैं, कितने टनल है, कितना ब्रिजेज हैं हमारे, तो इन सब के बारे में जानकारी देंगे, कहां कहां से अलाइनमेंट जा रहा है और उसके साथ साथ कितनी प्रोग्रेस, कितने फेसेस में हमारा काम शुरू हो गया है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आज जी के इसका रेलवे विकास निगम का दौरा मुख्यमंत्री का शुरू होने वाला है, जिसमें कि वो यहाँ की रेलवे जो निगम है जो यहाँ तैयार कर दिया कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन, उसकी तैयारियाँ का जायजा लेंगे और साथ ही जो परेशानियाँ उनको हो रही हैं उन परेशानियों को भी निवारण करेंगे। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो एक नक्शा बना रखा है उन्होंने, ये वो नक्शे को के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं और ये जो जितने
यहाँ पर पुल बन रहे हैं, गुफाएं बन रही है, वो इसी तरह ही यहाँ पर बनेंगी और इसको ही वो देखेंगे और इसी हिसाब से नक्शा बना हुआ है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहा है। तो यहाँ जितनी भी तैयारियाँ हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो तैयारी कर बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत से नेता पहुँच चुके हैं जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री के आने के बाद उनको सारी परेशानियों से अवगत कराए। कैमरामैन कार्तिक के साथ इसी के संजय शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और वो बहुत ही जल्द मौके पर पहुंचकर समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लेने की बात भी कही जा रही है। योग नगरी ऋषिकेश की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर विकास कार्यों को लेकर, खासकर रेल परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहां जो कार्य इस वक्त चल रहे हैं उस कार्य में और तेजी कैसे लाया जाए, इस बात को लेकर बैठक की गई है, समीक्षा की गई है। उनके साथ विधानसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, सभी लोग इस समीक्षा बैठक में साथ रहे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने कार्यों का जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की गई है, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की समीक्षा की गई। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण, सीएम ने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री निर्माणाधीन सुरंग के भीतर भी गए और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्थलीय निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, वो सुरंग में भी पहुंचे, उनके साथ सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी साथ में रहे। तो विकास कार्य किस तरीके से चल रहे हैं समीक्षा की गई, समीक्षा के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, सुरंग में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया कि अब तक वहां पर किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, कार्य हो रहे हैं और कितना और समय लगेगा। और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे, एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कम समय में अधिक से अधिक विकास कैसे हो, लगातार इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। जो कार्य चल रहे हैं उस कार्य में तेजी लाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और यही वजह है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है जहां पर उपनल कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल सरकार उपनल कर्मियों का बढ़ाएगी मानदेय, धरना प्रदर्शन के दौरान रुका वेतन भी सरकार देगी। 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आएगा, कैबिनेट के सामने रखी जाएगी मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट। मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। उपनल कर्मियों के काम को सरकार भूल नहीं सकती, गणेश जोशी ने यह बातें कही है। आंदोलनरत उपनल कर्मियों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है, सरकार अब उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाएगी, साथ ही धरने प्रदर्शन के दौरान रुका हुआ वेतन भी सरकार देगी। बता दें कि 15 सितंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार उपनल कर्मियों द्वारा किए गए कामों को भूल नहीं सकती। देखिए, ये हमारे कर्मचारी हैं और कोविड फेज टू में अगर ये लोग नहीं होते तो मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। इन्होंने दिन रात काम किया, अधिकतर ये स्वास्थ्य सेवाओं में थे और इनकी वजह से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर उपाय रही होंगी, हम जान बचा पाए, इसलिए इनकी चिंता करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सरकार पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय में चली गई थी, उसका स्टे हो रखा है, लेकिन उसके बाद भी हमने एक प्रस्ताव निकाला
में उत्तराखंड का सबसे वरिष्ठ माओवादी लीडर भास्कर पांडे अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है। भास्कर पांडे 20,000 का इनामी अपराधी था, साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी भास्कर पर दर्ज है। वहीं डीआईजी का कहना है कि भास्कर पांडे किसान आंदोलन में भी सक्रिय था और माओवादी खीम सिंह बोरा का सबसे खास साथी है। बता दें कि 5 सालों से 3 जिलों की एसटीएफ, इंटेलिजेंस और कई खुफिया एजेंसियां भास्कर की तलाश कर रही थी और गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम को 20,000 का इनाम और मेडल भी दिया जाएगा। ये जो है भास्कर पांडे आज माओवादी पकड़ा है, ये बहुत बड़ा जो है इनके जो पूरा जो उत्तराखंड का माओवाद का पूरा गढ़ है इसका बहुत बड़ा, ये एक उसका वरिष्ठ माओवादी है जो देश में भी जो है बहुत बड़े जगहों पर जो है उत्तर बिहार में वगैरह ट्रेनिंग लेके यहाँ पे बहुत सक्रिय रहा है। जो खीम सिंह बोरा है इसका खास साथी है, इन्होंने कई जो है अल्मोड़ा और बागेश्वर और कई पूरे कुमाऊं रीजन में जो है अपना माओवाद का जो वो फैलाने के लिए कार्य किया, लोगों में जो है वो इस तरह से फैलाया सरकार के विरुद्ध, और इसमें जो है कई घटनाओं को भी इन्होंने अंजाम दिया। 2017 में धारी तहसील में जो है वहाँ जीप जलाई थी इन्होंने, कुछ स्कूल में भी जो है इस तरह से वो कार्य किए थे कई जगह, लाल झंडे और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में ये भास्कर। में मसूरी में कैंपटी फॉल का जलस्तर अचानक बढ़ने से भगदड़ मच गई है, वहीं आसपास के इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कैंपटी फॉल को तत्काल खाली कराया गया है, साथ ही कैंपटी फॉल पर सभी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैंपटी फॉल थाना इंचार्ज नवीन जुराल ने बताया कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ही कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला के झबरावाला गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय झबरावाला में वृक्षारोपण कर नवनिर्मित विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व उनके निदान का भरोसा भी दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण का संरक्षण होगा। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जन समस्याएं सुलझाने का काम, जनता की समस्याएं सुनने का काम, ये तो लगातार चल रहा है। साथ में आजकल एक विशेष अभियान हमने लिया इस वर्ष, वो है व्यापक वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण में भी दो वृक्षों पर हमने विशेष फोकस किया है, वो हैं बरगद और पीपल। अभी मेरा कुछ दिनों से वैज्ञानिकों के साथ बैठना हुआ और तब समझ में आया कि हमारे पुरखों ने बट की पूजा क्यों करते हैं, पीपल की पूजा क्यों करते हैं। झबरा वाले मार्कम ग्रांट का दौरा बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्राइमरी स्कूल झबरा वाला में वृक्षारोपण करना है, और वृक्षारोपण करने के पश्चात जो भी उन्होंने यहाँ पर कार्य किए हैं उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। जैसे यह प्राइमरी स्कूल है जो 50-60 साल पहले बना था, उसमें उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दी थी और उनकी धनराशि स्वीकृत करने के पश्चात ही यह स्कूल बहुत ही अच्छा बना है, और आज इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। और ग्रामवासियों की बहुत सारी समस्याएं भी थी, उनको उन्होंने ग्रामीणों की सारी समस्याएं सुनी हैं, और कुछ समस्याओं का तो मौके पर ही निदान हो गया है। और जैसे नहर का भी निरीक्षण किया जाएगा, उसमें 14 करोड़ रुपये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत कराए गए थे, और नहर का भी निरीक्षण किया जाएगा। और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।